गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस हियर क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द चैप्टर। मीन्स है कि इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरे चैप्टर को रिकॉल करेंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्ट। ओके, व्हेन अ बॉडी does not change its position with respect to a fixed point, then it is said to be in a state of rest or rest. Means when a body does not change its position with respect to a fixed point, then it is said to be in a state of rest or state of rest or rest. Means है कि जब कोई body एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी बॉडी अगर एक फिक्स पॉइंट है तो उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो उसको बोलते हैं कि वह बॉडी रेस्ट में। ओके, नाउ सेकंड, स्टेट ऑफ मोशन मीन्स है व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट देन it is said to be a state of motion. Means है when a body changes its position with respect to a fixed point, then it is said to be a state of motion. Means है जब कोई body एक fixed point के respect में, ठीक है, फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है तो उसको बोलते हैं कि वह बॉडी मोशन में, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, ठीक है, और एक हमारा फिक्स पॉइंट तो उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है तो उसको बोलते हैं मोशन में। ओके, जो पोजीशन चेंज नहीं करता उसको रेस्ट में बोलते हैं, जो पोजीशन चेंज कर लेता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं मोशन। एंड अदर, स्केलर क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude and no direction, which has only magnitude and no direction. It is called scalar quantity. Example, distance (clears
स्पीड, ठीक है, एटी, और भी ऐसी ऐसी क्वांटिटी हैं जो स्केलर क्वांटिटी हैं। और फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ओके, एग्जांपल डिस्टेंट एंड स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है कि जिस न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, बट क्या होता है कि इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है इसके पास, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो, इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल displacement and velocity etc are physical quantity which have magnitude and direction also, it is called vector quantity, example displacement, velocity etc। कि एक ऐसी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस। The actual length of the path covered by the moving body irrespective of the direction of the called distance। It is a scalar quantity, means the actual length of the path covered by moving body, कि एक moving body जो actual length covered करती है, ठीक है, एक body जो actual length covered करती है उसको क्या बोलते हैं, distance of the direction irrespective of the direction called distance, means यहाँ पे direction का, ठीक है, डायरेक्शन को ये नहीं होता है कि डायरेक्शन हो इसमें या ना हो, बट क्या होता है कि यहाँ पर एक एक्चुअल लेंथ को कवर्ड करती है, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसी वजह से डायरेक्शन नहीं होती इसके पास, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से एक एक्चुअल लेंथ जो कवर्ड करती है बॉडी, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, और ये स्केलर क्वांटिटी है। एंड नाउ displacement, okay, displacement, the shortest distance between
बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, मीन्स है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, मीन्स है कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, और इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके, डायरेक्शन है इसमें, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो क्या एक ये जो है वेक्टर क्वांटिटी, ओके। नेक्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी, अ मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ, नंबर फर्स्ट इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि कोई भी बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में तब कही जाती है जब वो क्या करे, इट्स मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में क्या करे, मूव करे। एंड नंबर सेकंड, इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। तो यूनिफॉर्म मोशन में की जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और यहाँ पर इट्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अ मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, कि कोई भी बॉडी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है जब इफ इट्स कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि वह
एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके एंड नेक्स्ट स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल वाया बॉडी इन वन यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल वाया बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल वाया बॉडी इन वन यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। मीन्स है जब कोई बॉडी किसी भी टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड। ठीक है, या बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है कि अगर कुछ टाइम में अगर कुछ डिस्टेंस कवर करती है बॉडी तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, या बोल सकते हैं मैथमेटिकली द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इट्स एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट हैज नो डायरेक्शन। नेक्स्ट एवरेज स्पीड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ओके, मीन्स है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दौरान अगर कोई भी बॉडी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है और डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उसको डिवाइड करते हैं टोटल टाइम टेकन, जितना भी टोटल टाइम लगता है, ठीक है, तो उस रेशियो को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। ओके, सो एवरेज स्पीड फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। ओके, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन
पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन. ओवर. टाइम टेकन मीन्स है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. कि वह डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है, ठीक है, डायरेक्शन के साथ पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को बोलते हैं वेलोसिटी. ठीक है, से बोल सकते हैं द रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन ओवर टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी. और जब डायरेक्शन जो डिस्टेंस है हमारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन. ठीक है, तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन. ओके, सो डिस्प्ले द रेशियो बिटवीन द रेशियो डिस्प्लेसमेंट ओवर या पर बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम टेकन. द रेशियो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी. ओके, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. एंड नेक्स्ट एसिलेशन द रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एसिलेशन. इट इज represented by small a. okay, its SI unit is meter per second square and it is vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एसिलेशन. कि कोई भी पार्टिकल्स है वो चेंज करता है अपनी वेलोसिटी, उसी को क्या बोलते हैं, एसिलेशन. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एसिलेशन. और ये जो चेंजेस होती है वो टाइम के रेस्पेक्ट में होती है. ठीक है, तो बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या बोल सकते हैं द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ओके, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसिलेशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर. इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर से. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, मीन्स है एसिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एसिलेशन. ठीक है, नेक्स्ट सॉरी फॉर्मूला राइट कर देता हूँ. एसिलेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन. सो ए इज इक्वल टू बी माइनस यू ओवर टी. एंड नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो डैट
थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वेयर वी इज द फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड ए इज द एसिलेशन एंड टी इज द टाइम टेकन. ओके टी इज द टाइम टेकन. ओके एंड सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो एस डिस्टेंस. ओके एस इज द डिस्टेंस एंड यू यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड टी टाइम एंड ए एसिलेशन. ओके सो सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. ओके बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर बी बी इज द फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड ए इज द एसिलेशन एंड एस इज द डिस्टेंस. ओके एंड नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. मीन्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है उसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन. ओके एंड नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स है कि जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है बट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, एक सर्कल में मूव करती है, तो उसी को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके अगर कोई भी बॉडी एक मोशन करती है एक सर्कल में उसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स है कि कोई बॉडी मूव करती है एक सर्कुलर मोशन में बट एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर कोई भी बॉडी मूव करती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. थैंक यू.